हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे भारत है मेरा घर कविता। ठीक है। रानी बिटिया चली घूमने, दिल्ली से आगे बढ़। रानी बिटिया चली घूमने, रानी बिटिया कहाँ जा रही है? घूमने जा रही है। दिल्ली से आगे बढ़, चलते 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 पहुंच गई चंडीगढ़। चलते चलते वो कहाँ पहुंच गई? चंडीगढ़। कहाँ निकले गई है वो? घूमने निकली है। चंडीगढ़ से जयपुर पहुंची, जयपुर से रामेश्वर। पहले कहाँ पहुंची वो? चंडीगढ़। और चंडीगढ़ से जयपुर, और जयपुर से रामेश्वर। रामेश्वर से चलते चलते लौट चली आई घर। रामेश्वर से चलते चलते कहाँ आई वो? लौट चली आई घर। माँ ने पूछा, रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर? माँ ने क्या पूछा? रानी बिटिया कहाँ गई थी बाहर? बिटिया बोली, कहीं नहीं माँ, मैं थी घर के अंदर। घर के अंदर रानी बिटिया? ऐसा झूठ सरासर। ऐसा झूठ सरासर, मतलब उसकी माँ कहती है बिल्कुल मत बोलो ऐसा झूठ। झूठ नहीं माँ, सच कहती हूँ, भारत है मेरा घर। क्या कहती है? झूठ नहीं माँ, सच कहती हूँ, भारत है मेरा देश। इस कविता के कवि कौन है? निरंकार देव सेवक। और संदेश क्या दे रहे हैं? देश ही हमारा घर है। आओ अब हम इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्द अर्थ, बिटिया बेटी, घर गृह, सच सत्य, माँ माता, झूठ असत्य, सरासर बिल्कुल। ठीक है बच्चों, आपको ये कविता पढ़ना है और इसको याद भी करना है। ठीक है, और इसके शब्दार्थ को आपको पढ़कर याद करकर अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।